क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान है और इसको सॉल्व करना भी बहुत इजी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा आप बेसिक मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। इसके कितने मेथड सॉल्व करेंगे? दो मेथड सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दोनों मेथड में हम लोग लगाएंगे और ये इसमें आपको एक नया चीज़ सीखने को मिलेगा। ये तो फार्मूला भी होता है और एक बहुत अच्छा चीज़ मैं इसमें सिखाऊंगा आप लोगों को। क्या सिखाऊंगा? देखिए यहाँ पर आपको पता है कि टेन ए इज इक्वल टू 1/3 दिया गया है, आपके पास ये वैल्यू है। तो सबसे पहली बात यह है कि आप अगर डिग्री याद किए हो कि 10 0 डिग्री कितना होता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री कितना होता है, 60 डिग्री कितना होता है, तो इसका वैल्यू तो आप निकाल सकते हो, इजी है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि tan a इज इक्वल टू 1/3 की जगह आप लिख सकते हो, इसका वैल्यू सीधे लिख सकते हो। इसका वैल्यू क्या होता है कि tan 30 डिग्री लिख सकते हो। इसका मतलब a इज इक्वल टू आप 30 डिग्री लिख सकते हो। आप जानते हो कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है आपके पास 1/3, tan 45 डिग्री आपके पास 1 होता है, ठीक है, और tan 60 डिग्री आपके पास √3 होता है। तो ये सब वैल्यू, और tan 0 का वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए और tan 90 का वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जो कि इनडिफाइंड होता है या इन्फिनिटी भी बोल सकते हो, और ये तो 0 ही होता है tan 0 का। चलिए अब देखिए यहाँ पे a का वैल्यू आपको पता चल गया। अब यहाँ पे आप यहाँ पे 90 लिख सकते हो, ये 90 डिग्री ही है। ए बी सी का यहाँ पे वैल्यू लिखिए, ए क्या बोला है यहाँ पे कि राइट एंगल बी पर है, एट बी पर, तो इसको बी दीजिए यहाँ पे। आपके पास ए का वैल्यू 30 है, आप यहाँ पे ए लिखिए और यहाँ पे 30 दे सकते हो। तो आप जानते हो कि बी का वैल्यू 90 है और इसका 30 है, तो ये 60 हो जाएगा। क्या, क्यों होगा 60? क्योंकि तीनों कोणों का मान 180 होता है और ये 90 है और ये दोनों का भी 90 होना चाहिए, तो 60 और 30 90 हो गया। ये 30 आप निकाल चुके हैं, 30 डिग्री, ठीक है, तो आप 60 डिग्री आपको पता चल गया। तो आप इस तरह से इसमें सारे वैल्यू पुट कर दीजिए। कैसे पुट कीजिएगा? देखिए साइन ए की जगह आप 30 डिग्री लिखिए, कॉस सी की जगह आप 60 डिग्री लिखिए, प्लस कॉस ए की जगह आप 30 डिग्री लिखिए, और फिर साइन सी की जगह आप 60 डिग्री लिखिए। अब इसका वैल्यू पुट कीजिए। आपको त्रिकोणमिति का डिग्री पता होगा, नहीं पता है तो आप एनसीईआरटी के चार्ट में देख भी सकते हो, आसानी से उसमें लिखा गया है, सारे कंडीशन के बारे में बताया गया है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सारे फॉर्म मतलब डिग्री का वैल्यू रखोगे, जैसे कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है और कॉस भी इसका वैल्यू भी 1/2 होता है। आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, 30 डिग्री और 60 डिग्री को मिलाकर 90 डिग्री होता है, और दोनों को ऐड करने पर, दो डिग्री को ऐड करने पर अगर 90 डिग्री होता है तो आपस में वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। तो साइन 30 और कॉस 60 का वैल्यू तो सेम ही होगा, ठीक है, ये बात आपको पता है। और नहीं पता है तो मैं जब डिग्री निकालना आप लोगों को सिखाऊंगा उस समय आप लोग जरूर देखिएगा इस डिग्री को लिखते क्यों हैं और काहे 1/2 लिखते हैं 30 डिग्री का, वो भी मैं बताऊंगा। और कॉस 30 का डिग्री आपको पता है, कॉस 30 डिग्री आपके पास क्या होगा आप लोग बताइए, √3/2 होता है, आप जानते हो, और गुने साइन 30 का भी ये भी वही होगा, √3/2 होगा। तो इस तरह से यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 1 + 3/4 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा कट के, क्यों, क्योंकि ऊपर में 4 नीचे में 4 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे 30 डिग्री का निकाल के लिख सकते हो। दूसरा नंबर में भी यहाँ पे कॉस ए की जगह आप लिखोगे, क्या लिखोगे, ए का 30 डिग्री का वैल्यू लिखोगे, कॉस सी का वैल्यू 60 है तो 60 लिखोगे, ये साइन ए का 30 है 30 लिखोगे, और ये 60 है तो 60 लिखोगे, माइनस बोला है, तो इसका वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मेथड 1 आपने सीख लिया कि आप तुरंत उसका वैल्यू लिखोगे और निकाल सकते हो। वैसे आप तो वैसे भी निकाल सकते थे इसमें, क्या कि आपके पास पता है कि ये 1 होगा और ये √3 है, ये 3 है, तो यहाँ पे आप इसको निकालते तो आपके पास कितना आ जाता हाइट, अब जब आप इसको निकालते तो आपके पास आ जाता 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, मतलब कि आपका 9 + 1 = 10 हो जाता। कोई दिक्कत है? नहीं, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। देखिए 10 जब हो जाता तब आप निकाल लेते साइन ए का वैल्यू, कॉस ए का वैल्यू, कॉस और साइन सी का वैल्यू, और पुट कर देते। यहाँ से निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको निकालना मैं बता चुका हूँ, सिखा चुका हूँ कि आप कैसे निकाल सकते हैं। जैसे साइन ए का क्या लिखते, 1/√10 हो जाता है यहाँ पे, 1/√10। फिर कॉस सी का निकालते तो कॉस सी यहाँ से परपेंडिकुलर ये 3 हो जाता है आपका, तो बेस ये हो जाता, तो 1/√10 ही लिखा था। तो इस तरह से एक बार आप लोग निकाल के उसको सॉल्व कीजिएगा। आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूँ? मैंने जो पहले बताया है आप लोगों की कि रेशियो से कैसे सॉल्व करते हैं, तो उस तरीके से आप साइन ए कॉस सी और कॉस ए और साइन सी का वैल्यू निकालिएगा, उसको पुट कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे मैंने आप लोगों को डिग्री का यूज करके सिखाया कि आप लोग डिग्री कैसे निकालोगे, क्योंकि 1/3 का तो सीधा 30 डिग्री होता ही है, ये 10 और 10 आप देख ही रहे हो, और यहाँ पे ए की जगह 30 डिग्री है तो सीधा आप ए की जगह 30 डिग्री लिख सकते हो, और बाकी जगह सभी जगह 30 डिग्री लिखने के बाद सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये बात आप समझ गए। उसके बाद आप निकाल सकते हो इसका यूज करके, कैसे यूज करके, आप साइन ए और साइन सी का जो रेशियो मेथड से आप वैल्यू निकालोगे और पुट करोगे, उसमें भी सॉल्व हो
हो जाएगा। मैं यहाँ पे और एक वैल्यू बताता हूँ, देखिए आपको पता होना चाहिए, या पता अगर नहीं है तो आप नोट कीजिएगा कि साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी का वैल्यू क्या होता है। इसको आप लिख सकते हो साइन ए प्लस सी, और ये जो है ना कॉस ए कॉस सी और साइन ए साइन सी का वैल्यू आप लिख सकते हो यहाँ पे कॉस ए प्लस सी। तो यहाँ पे आपको पता है कि ए का डिग्री आपने निकाला था वहाँ पे 30 डिग्री, और सी का डिग्री आपके पास था कितना 60। यहाँ पे आपने यहाँ पे 30 डिग्री निकाला था ना, और यहाँ पे 60, और ये 90 ऑलरेडी है, तो 60 और 30 कितना होगा 90 होगा। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। क्या पिछला जो हमने मेथड से बनाया था उसमें भी 1 आया था वैल्यू, इसमें भी 1 आ गया। अब इसमें भी आप जब लिखोगे ए प्लस सी का 90 आएगा, तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 90 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप याद रखिए, याद करना जरूरी है। साइन 0 का जो वैल्यू होता है वही कॉस 90 का वैल्यू होता है, कॉस 90 का 0 होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका भी इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 0, और इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 1। तो आपने देखा कि ये कैसे होता है। आप यहाँ पे नोट कर सकते हो क्या कि साइन ए प्लस सी इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको आसानी से आप लोग लिख सकते हो। ये फॉर्मूला है, नॉर्मल सा फॉर्मूला है, और ये सभी चीज़ों सभी को पता होता है, आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके जगह पे आप लिख सकते हो, ये जो आप यहाँ पे दूसरे नंबर पर देख रहे हो, इसके जगह पे आप सीधे इक्वल करके लिख सकते हो। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, कॉस ए प्लस सी, कोई दिक्कत। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति में बहुत सारे फॉर्मूला मिलेंगे आपको, मगर उसमें से क्लास टेंथ में कुछ कुछ फॉर्मूला आपको याद रखने हैं जल्दी बनाने के लिए। अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो आप यहाँ पे तो तुरंत कर सकते हो, यहाँ पे आंसर 1 निकाल सकते हो।